आज मैं आपको अयोध्या की सबसे सस्ती और सबसे अच्छी 20 धर्मशाला के बारे में बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि कैसे आप श्री राम जी की नगरी में बिल्कुल फ्री में रह सकते हैं तथा फ्री में भोजन भी कर सकते हैं। इस वीडियो में कुछ रूम तो आपको 150 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से भी मिल जाएंगी। ये सब रूम कम बजट वाले मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। इन सब के पते, फोन नंबर और साथ में गूगल मैप की लोकेशन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं तथा ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग के डिटेल्स भी दे दिए हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने इस वीडियो में वो सब कुछ कवर किया है जो आपको कोई नहीं बताता, जैसे धर्मशालाओं का पता और फोन नंबर, रूम का किराया, भोजन की सुविधा, साफ वॉशरूम सुविधा, रेलवे स्टेशन तथा श्रीराम मंदिर से दूरी कितनी होगी आदि सब कुछ सिर्फ इसी वीडियो में आपको मिलेगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिए। अगर आप ज्यादा पैसे खर्च करके और अच्छी सुविधा चाहते हैं तो 700 से 1500 रुपए की रेंज वाले गेस्ट हाउस और होटल की वीडियो भी हमने बनाई है। वो वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी। याद रहे, पिक सीजन अर्थात जनवरी से मई जून के महीने में तथा त्योहार जैसे रामनवमी और दिवाली में अयोध्या के सभी धर्मशालाओं में रूम आसानी से नहीं मिलते, इसीलिए इनके रेट थोड़े से बढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले नंबर पर है श्रीराम बालकदास गुजराती धर्मशाला। यह धर्मशाला अयोध्या रेलवे स्टेशन के सामने 50 मीटर दूर स्टेशन रोड परिसर में है तथा इस धर्मशाला से श्रीराम मंदिर की दूरी 1 किलोमीटर है। इस धर्मशाला में सभी कमरे टॉयलेट और बाथरूम अटैच हैं। यहाँ आपको कार पार्किंग की व्यवस्था मिलेगी, सर्दी में गर्म पानी की सुविधा निःशुल्क है और फ्री आरओ वाटर की भी सुविधा है तथा यहाँ का किराया पूरे 24 घंटे के लिए होता है। इस धर्मशाला में प्रतिदिन का किराया कुछ इस प्रकार है। 3 लोगों के लिए डबल बेड नॉन एसी रूम 600 रुपये प्रति रूम। इसी रूम को एसी के साथ लेने पर 1000 रुपये चार्ज देना होगा। 4 लोगों के लिए 3 बेड नॉन एसी रूम 850 रुपये प्रति रूम। इसी रूम को एसी के साथ लेने पर 1300 रुपये चार्ज देना होगा। 5 लोगों के लिए 4 बेड नॉन एसी रूम 1000 रुपये प्रति रूम। इसी रूम को एसी के साथ लेने पर 1600 रुपये चार्ज देना होगा। 6 लोगों के लिए 5 बेड नॉन एसी रूम 1200 रुपये प्रति रूम। इसी रूम को एसी के साथ लेने पर 2000 रुपये चार्ज देना होगा। इन सभी रूमों के साथ आपको टॉयलेट और बाथरूम साथ में अटैच मिल जाता है तथा यहां साफ सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है। आपको यहां डोरमेट्री बेड 100 रुपये में मिल जाता है, जिसमें आपको सामान रखने के लिए लॉकर भी दिया जाएगा। अगर आप नीचे गद्दा लगाकर सो सकते हैं तो 5 लोगों के लिए 500 रुपये में कॉमन हॉल भी मिल जाता है। वहीं 10 लोगों के लिए बड़ा कॉमन हॉल 1000 रुपये में मिल जाता है। इन सभी डोरमेट्री तथा कॉमन हॉल के टॉयलेट और बाथरूम इनके पास ही बनाए गए हैं तथा यहां साफ सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है। यहां आपको खिचड़ी और सब्जी का भोजन प्रसाद भी बिल्कुल फ्री में दिया जाता है, जिसका समय सुबह 10 से 11 और शाम को 6 से 7 रखा गया है। दूसरे नंबर पर है श्री बालाजी धर्मशाला। यह धर्मशाला अयोध्या रेलवे स्टेशन से 300 मीटर दूर स्टेशन रोड परिसर में है तथा इस धर्मशाला से श्री राम मंदिर की दूरी 700 मीटर है। इस धर्मशाला में सभी कमरे टॉयलेट और बाथरूम अटैच हैं। यहां भी आपको कार पार्किंग, सर्दी में गर्म पानी की निःशुल्क सुविधा तथा फ्री आरओ वाटर की भी सुविधा है तथा यहां का किराया दूसरे दिन दोपहर 12 बजे तक के लिए होता है। इस धर्मशाला में प्रतिदिन का किराया कुछ इस प्रकार है।
इस धर्मशाला में लिफ्ट ना होने के चलते निचली मंजिल पर बने कमरों का रेट थोड़ा ज्यादा है। तीसरी मंजिल पर डबल बेड नॉन एसी रूम 300 रुपये प्रति रूम। तीसरी मंजिल पर अधिकतम 3 लोगों के लिए डबल बेड नॉन एसी रूम 400 रुपये प्रति रूम। दूसरे मंजिल पर अधिकतम 3 लोगों के लिए डबल बेड नॉन एसी रूम 500 रुपये प्रति रूम। पहली मंजिल पर अधिकतम 3 लोगों के लिए डबल बेड नॉन एसी रूम 600 रुपये प्रति रूम। इन सभी रूमों को एसी के साथ लेने पर 1000 रुपये चार्ज देना होगा। पहली मंजिल पर अधिकतम 6 लोगों के लिए 4 बेड नॉन एसी रूम 1200 रुपये प्रति रूम। इस रूम को एसी के साथ लेने पर 1500 रुपये चार्ज देना होगा। इस धर्मशाला के पास में ही भोजनालय भी है, जहां आपको 80 से लेकर 120 रुपये में भोजन भी मिल जाता है। तीसरे नंबर पर है श्री राम अतिथि निवास धर्मशाला। यह धर्मशाला अयोध्या रेलवे स्टेशन से 300 मीटर दूर स्टेशन रोड परिसर में है, तथा इस धर्मशाला से श्री राम मंदिर की दूरी 700 मीटर है। इस धर्मशाला में सभी कमरे टॉयलेट और बाथरूम अटैच हैं। यहाँ भी आपको कार पार्किंग, सर्दी में गर्म पानी की निःशुल्क सुविधा तथा फ्री आरओ वाटर की भी सुविधा है, तथा यहाँ का किराया दूसरे दिन दोपहर 12 बजे तक के लिए होता है। इस धर्मशाला में प्रतिदिन का किराया कुछ इस प्रकार है। अधिकतम 3 लोगों के लिए डबल बेड नॉन एसी रूम 600 रुपये प्रति रूम। इसी रूम को कूलर के साथ लेने पर 700 रुपये चार्ज देना होगा। अधिकतम 3 लोगों के लिए डबल बेड एसी तथा गीजर रूम 1200 रुपये प्रति रूम। अधिकतम 5 लोगों के लिए डबल बेड एसी तथा गीजर रूम 1600 रुपये प्रति रूम। 25 लोगों के लिए बिना बेड वाला कॉमन हॉल 2000 रुपये प्रति हॉल। 10 लोगों के लिए बेड वाला कॉमन हॉल 1200 रुपये प्रति हॉल। 20 लोगों के लिए बेड वाला कॉमन हॉल 2500 रुपये प्रति हॉल। इन सभी कॉमन हॉल के कॉमन टॉयलेट और बाथरूम इसी के पास में बनाए गए हैं, तथा यहां साफ सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है। चौथे नंबर पर है बिरला धर्मशाला। यह धर्मशाला अयोध्या रेलवे स्टेशन से 500 मीटर दूर साई नगर परिसर में है, तथा इस धर्मशाला से श्रीराम मंदिर की दूरी 500 मीटर है। यह अयोध्या की सबसे अच्छी धर्मशाला मानी जाती है, क्योंकि यह राम मंदिर के मुख्य रास्ते के सामने और पास में ही बनी है, और इसके अलावा यहाँ का रखरखाव प्रबंधन और सामने बना सुंदर बगीचा तथा स्वादिष्ट भोजनालय आपका मन मोह लेती है। इसमें भी सभी कमरे स्वच्छ टॉयलेट और बाथरूम तथा गीजर अटैच हैं। यहाँ भी आपको कार पार्किंग, सर्दी में गर्म पानी की निःशुल्क सुविधा तथा फ्री आरओ वाटर की भी सुविधा है, तथा यहाँ का किराया दूसरे दिन दोपहर 12 बजे तक के लिए होता है। इस धर्मशाला में प्रतिदिन का किराया कुछ इस प्रकार है। सिंगल बेड अटैच नॉन एसी रूम 300 रुपये प्रति रूम। डबल बेड अटैच नॉन एसी साधारण रूम 500 रुपये प्रति रूम। डबल बेड अटैच नॉन एसी रूम 600 रुपये प्रति रूम। ट्रिपल बेड अटैच नॉन एसी रूम 700 रुपये प्रति रूम। डबल बेड एसी रूम 1200 रुपये प्रति रूम। डबल बेड वीआईपी डीलक्स रूम 1800 रुपये प्रति रूम। इन सभी रूमों में एक्स्ट्रा पर्सन चार्ज नहीं लिया जाता है। आप चाहे तो 3 से 4 लोग भी ठहर सकते हैं। यहाँ के भोजनालय में 100 रुपये में स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था भी की हुई है। पांचवें नंबर पर है कनक भवन धर्मशाला। यह धर्मशाला अयोध्या रेलवे स्टेशन से
डेढ़ किलोमीटर दूर तुलसीनगर परिसर में है तथा इस धर्मशाला से श्री राम मंदिर की दूरी 500 मीटर है। इस धर्मशाला में भी आपको कार पार्किंग, सर्दी में गर्म पानी की निशुल्क सुविधा है। यहाँ एसी की सुविधा उपलब्ध नहीं है तथा यहाँ का किराया पूरे 24 घंटे के लिए होता है। इस धर्मशाला में प्रतिदिन का किराया कुछ इस प्रकार है। दो लोगों के लिए सिंगल बेड नॉन एसी रूम 150 रुपये प्रति रूम, तीन लोगों के लिए पुराना अटैच डबल बेड नॉन एसी रूम 250 रुपये प्रति रूम। इस रूम के साथ आपको टॉयलेट बाथरूम अटैच मिल जाता है। तीन लोगों के लिए अटैच डबल बेड नॉन एसी रूम 500 रुपये प्रति रूम। इस रूम के साथ आपको टॉयलेट बाथरूम अटैच मिल जाता है। यहाँ के भोजनालय में 60 रुपये में स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था भी की हुई है। यहाँ आपको बिना प्याज लहसुन वाला भोजन भी मिल जाता है। छठवें नंबर पर है श्री राम सिंधु धाम धर्मशाला। यह धर्मशाला भी अयोध्या रेलवे स्टेशन से 1.5 किलोमीटर दूर तुलसीनगर परिसर में कनक भवन के पीछे है तथा इस धर्मशाला से श्री राम मंदिर की दूरी 500 मीटर है। इस धर्मशाला में सभी कमरे टॉयलेट और बाथरूम अटैच हैं। यहाँ भी आपको कार पार्किंग, सर्दी में गर्म पानी की निःशुल्क सुविधा तथा फ्री आरओ वाटर की भी सुविधा है तथा यहाँ का किराया दूसरे दिन सुबह 10 बजे तक के लिए होता है। इस धर्मशाला में प्रतिदिन का किराया कुछ इस प्रकार है। अधिकतम तीन लोगों के लिए अटैच डबल बेड नॉन एसी रूम 550 रुपये प्रति रूम। इस रूम के साथ आपको टॉयलेट बाथरूम अटैच मिल जाता है। अधिकतम तीन लोगों के लिए डबल बेड एसी रूम 1200 रुपये प्रति रूम। सातवें नंबर पर है श्री राम पथिक निवास। यह धर्मशाला अयोध्या रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर हनुमान गढ़ी चौराहा के पास है तथा इस धर्मशाला से श्री राम मंदिर की दूरी 1 किलोमीटर है। इस धर्मशाला में सभी कमरे टॉयलेट और बाथरूम अटैच हैं। यहाँ आपको एक व्यक्ति के लिए भी रूम मिल जाता है और यहाँ सर्दी में गर्म पानी 20 रुपये प्रति बाटली के हिसाब से दिया जाता है तथा यहाँ का किराया दूसरे दिन सुबह 10 बजे तक के लिए होता है। इस धर्मशाला में प्रतिदिन का किराया कुछ इस प्रकार है। अधिकतम दो लोगों के लिए सिंगल बेड नॉन एसी रूम 300 रुपये प्रति रूम। इन सभी रूम के कॉमन टॉयलेट और बाथरूम इसी के पास में बनाए गए हैं तथा यहाँ साफ सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है। अधिकतम तीन लोगों के लिए अटैच डबल बेड नॉन एसी रूम 600 रुपये प्रति रूम। इस रूम के साथ आपको टॉयलेट बाथरूम अटैच मिल जाता है। डबल बेड गीजर प्लस एसी रूम 1200 रुपये प्रति रूम तथा 100 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से देकर अधिकतम 4 लोग इस रूम में ठहर सकते हैं। इस रूम के साथ भी आपको टॉयलेट बाथरूम अटैच मिल जाता है। 25 लोगों के लिए बिना बेड वाला कॉमन हॉल 2000 रुपये प्रति हॉल। आठवें नंबर पर है द्विवेदी धर्मशाला। यह धर्मशाला भी अयोध्या रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर हनुमान गढ़ी चौराहा के पास है तथा इस धर्मशाला से श्री राम मंदिर की दूरी 1 किलोमीटर है। इस धर्मशाला में प्रतिदिन का किराया कुछ इस प्रकार है। डबल बेड नॉन एसी रूम 400 रुपये प्रति रूम। नवें नंबर पर है बरनवाल सेवा सदन धर्मशाला। यह धर्मशाला अयोध्या रेलवे स्टेशन से 2.5 किलोमीटर दूर नया घाट परिसर में तुलसी उद्यान के पीछे है तथा इस धर्मशाला से श्रीराम मंदिर की दूरी 2 किलोमीटर है। इस धर्मशाला में प्रतिदिन का किराया कुछ इस प्रकार है। डबल बेड नॉन एसी रूम 300 रुपये प्रति रूम। अटैच डबल बेड नॉन एसी रूम 500 रुपये प्रति रूम। दसवें नंबर पर है माँ ईश्वरी देवी सेवा सदन। यह धर्मशाला भी
अयोध्या रेलवे स्टेशन से 2.5 किलोमीटर दूर नया घाट परिसर में तुलसी उद्यान के पीछे है तथा इस धर्मशाला से श्रीराम मंदिर की दूरी 2 किलोमीटर है। इस धर्मशाला में प्रतिदिन का किराया कुछ इस प्रकार है। डबल बेड नॉन एसी रूम 300 रुपये प्रति रूम, अटैच डबल बेड नॉन एसी रूम 500 रुपये प्रति रूम। 11वें नंबर पर है साहू धर्मशाला। यह धर्मशाला अयोध्या रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर दंत धवन कुंड के पास है तथा इस धर्मशाला से श्रीराम मंदिर की दूरी 1 किलोमीटर है। इस धर्मशाला में प्रतिदिन का किराया कुछ इस प्रकार है। डबल बेड नॉन एसी रूम 300 रुपये प्रति रूम, अटैच डबल बेड नॉन एसी रूम 600 रुपये प्रति रूम। 12वें नंबर पर है माँ वैष्णो धर्मशाला। यह धर्मशाला अयोध्या रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर दंत धवन कुंड के पास है तथा इस धर्मशाला से श्रीराम मंदिर की दूरी 1 किलोमीटर है। इस धर्मशाला में प्रतिदिन का किराया कुछ इस प्रकार है। सिंगल बेड नॉन एसी रूम 400 रुपये प्रति रूम, डबल बेड नॉन एसी रूम 600 रुपये प्रति रूम, अटैच डबल बेड एसी और गीजर रूम 1200 रुपये प्रति रूम, अटैच 4-बेड एसी और गीजर रूम 1500 रुपये प्रति रूम। 13वें नंबर पर है अयोध्या लखनऊ धर्मशाला। यह धर्मशाला भी अयोध्या रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर थेरी बाजार परिसर में है तथा इस धर्मशाला से श्रीराम मंदिर की दूरी 2.5 किलोमीटर है। इस धर्मशाला में प्रतिदिन का किराया कुछ इस प्रकार है। अधिकतम 10 लोगों के लिए साधा फैन रूम 1000 रुपये प्रति रूम। 14वें नंबर पर है गहोई धर्मशाला। यह धर्मशाला भी अयोध्या रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर थेरी बाजार परिसर में है तथा इस धर्मशाला से श्रीराम मंदिर की दूरी 2.5 किलोमीटर है। इस धर्मशाला में प्रतिदिन का किराया कुछ इस प्रकार है। डबल बेड नॉन एसी रूम 500 रुपये प्रति रूम। 15वें नंबर पर है हनुमत धर्मशाला। यह धर्मशाला भी अयोध्या रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर थेरी बाजार परिसर में है तथा इस धर्मशाला से श्रीराम मंदिर की दूरी 2.5 किलोमीटर है। इस धर्मशाला में प्रतिदिन का किराया कुछ इस प्रकार है। डबल बेड नॉन एसी रूम 600 रुपये प्रति रूम, अटैच डबल बेड एसी और गीजर रूम 1000 रुपये प्रति रूम। इन रूमों के साथ आपको टॉयलेट बाथरूम अटैच मिल जाता है। 16वें नंबर पर है श्री लक्ष्मण भवन धर्मशाला। यह धर्मशाला भी अयोध्या रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर थेरी बाजार परिसर में राम की पैड़ी के पास है तथा इस धर्मशाला से श्री राम मंदिर की दूरी 2.5 किलोमीटर है। इस धर्मशाला में प्रतिदिन का किराया कुछ इस प्रकार है। अटैच डबल बेड नॉन एसी गीजर रूम 700 रुपये प्रति रूम, अटैच डबल बेड एसी गीजर रूम 1200 रुपये प्रति रूम। 17वें नंबर पर है अवध धर्मशाला। यह धर्मशाला अयोध्या रेलवे स्टेशन से 2.5 किलोमीटर दूर कारसेवकपुरम परिसर में है तथा इस धर्मशाला से श्रीराम मंदिर की दूरी 2 किलोमीटर है। इस धर्मशाला में प्रतिदिन का किराया कुछ इस प्रकार है। डबल बेड नॉन एसी रूम 400 रुपये प्रति रूम, अटैच डबल बेड नॉन एसी रूम 600 रुपये प्रति रूम। 18वें नंबर पर है रघुवंशी धर्मशाला। यह धर्मशाला भी अयोध्या रेलवे स्टेशन से 2.5 किलोमीटर दूर कारसेवकपुरम परिसर में जानकी महल के सामने है तथा इस धर्मशाला से श्रीराम मंदिर की दूरी 2 किलोमीटर है। इस धर्मशाला में प्रतिदिन का किराया कुछ इस प्रकार है। डबल बेड नॉन एसी रूम 400 रुपये प्रति रूम, अटैच डबल बेड नॉन एसी रूम 600 रुपये प्रति रूम। 19वें नंबर पर है जय मां सरयू अयोध्या धाम धर्मशाला। यह धर्मशाला अयोध्या रेलवे स्टेशन से 3.5 किलोमीटर दूर फैजाबाद हाईवे पर कारसेवकपुरम परिसर में है तथा इस धर्मशाला से श्रीराम मंदिर की दूरी 3.5 किलोमीटर है। इस धर्मशाला में प्रतिदिन का किराया कुछ इस प्रकार है। डबल बेड नॉन एसी रूम 600 रुपये प्रति रूम,
20वें नंबर पर है भारत सेवाश्रम संघ। यह धर्मशाला भी अयोध्या रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर कारसेवकपुरम परिसर में परमहंस आश्रम के पास है तथा इस धर्मशाला से श्री राम मंदिर की दूरी 2.5 किलोमीटर है। इस धर्मशाला में प्रतिदिन का किराया कुछ इस प्रकार है। अटैच डबल बेड नॉन एसी रूम ₹500 प्रति रूम। यही रूम गीजर के साथ अथवा एसी के साथ लेने पर ₹800 चार्ज देना होगा। इन रूमों के साथ आपको टॉयलेट बाथरूम अटैच मिल जाता है। यहाँ के भोजनालय में ₹100 में भोजन की व्यवस्था भी की हुई है, जहाँ आपको बंगाली ट्रेडिशनल खाना मिलेगा जिसमें रोटी नहीं दी जाती, सिर्फ चावल दिए जाते हैं। 21वें नंबर पर है मंगरूलाल जमुना प्रसाद धर्मशाला। यह धर्मशाला अयोध्या रेलवे स्टेशन के सामने 100 मीटर दूर स्टेशन रोड परिसर में है तथा इस धर्मशाला से श्री राम मंदिर की दूरी 1 किलोमीटर है। इस धर्मशाला में प्रतिदिन का किराया कुछ इस प्रकार है। अटैच डबल बेड नॉन एसी रूम ₹600 प्रति रूम। यही रूम गीजर के साथ अथवा एसी के साथ लेने पर ₹800 चार्ज देना होगा। 22वें नंबर पर है महाराष्ट्र धर्मशाला। यह धर्मशाला अयोध्या रेलवे स्टेशन से 300 मीटर दूर प्रोफेसर्स कॉलोनी परिसर में है तथा इस धर्मशाला से श्री राम मंदिर की दूरी 1 किलोमीटर है। इस धर्मशाला में प्रतिदिन का किराया कुछ इस प्रकार है। डबल बेड नॉन एसी रूम ₹400 प्रति रूम। अटैच डबल बेड नॉन एसी रूम ₹600 प्रति रूम। 30 लोगों के लिए कॉमन हॉल ₹2000 प्रति हॉल। 2 फ्री में भोजन की तो श्रीराम मंदिर के सामने मात्र 200 मीटर दूर अमावा राम मंदिर में आपको फ्री भोजन मिलता है। अमावा राम मंदिर में जरूरतमंद लोगों को मुफ्त भोजन कराया जाता है। यह सेवा मंदिर द्वारा संचालित राम रसोई द्वारा प्रदान की जाती है। राम रसोई हर दिन दोपहर 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक स्वादिष्ट भोजन प्रसाद परोसती है, जिसमें आमतौर पर चावल, दाल, रोटी, सब्जी और मिठाई शामिल होते हैं। अमावा राम मंदिर अयोध्या में मुफ्त भोजन प्राप्त करने के लिए आपको बस राम रसोई में जाना होगा और भोजन के लिए लाइन में लगने से पहले काउंटर से पहचान पत्र दिखाकर रसीद लेनी होगी। वही बात करें फ्री में रुकने की तो अयोध्या में तीर्थ यात्रियों के लिए मुफ्त रहने की सुविधा वाला टेंट सिटी है। यह टेंट सिटी राम जन्मभूमि परिसर से कुछ किलोमीटर दूर सरयू नदी के किनारे स्थित है। टेंट सिटी का प्रबंधन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जाता है। यह प्राण प्रतिष्ठा के बाद आने वाली तीर्थयात्रियों की भीड़ को सुविधाजनक आवास प्रदान करने के लिए बनाया गया था। इसीलिए हो सकता है इसको बाद में बंद कर दिया जाए, किंतु जब तक चालू है तब तक इसका आनंद लीजिए। तो ये थी अयोध्या की कुछ सस्ती तो कुछ अच्छी धर्मशालाएं, खाना कम खर्चे में। आपको इसमें से कौन सी सबसे अच्छी लगी कमेंट में अवश्य बताए। हमने वाराणसी और प्रयागराज के भी सस्ती धर्मशालाओं के बारे में वीडियो बनाए हैं। वो वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा। हमारा प्रयास है कि हम आपको सभी तीर्थ स्थानों की जानकारी उपलब्ध कराए, इसीलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कम से कम मोदी जी की तो बात मान लीजिए और मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।